एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और मोदी के हैट्रिक के अनुमान दिख रहे हैं। बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत लाने की संभावना भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष एग्जिट पोल को लेकर सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। देश के तमाम एग्जिट पोल ने तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान जताया है। सभी एग्जिट पोल का निचोड़ यानी पोल ऑफ पोल्स ये बताता है कि अब की बार एनडीए को 370 से 390 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन 135 से 142 सीटें जीत सकती है। अन्य को 30 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। इसी तरह कई राज्यों में एनडीए गठबंधन दूसरे दलों से काफी आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर इसको लेकर हमला भी बोला है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को भारी जीत मिलती दिख रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। एग्जिट पोल के अनुमान को लेकर यूपी में सियासी संग्राम चढ़ गया है। एग्जिट पोल में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। यूपी में एनडीए को 67 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इंडिया गठबंधन को यूपी में 12 सीटें और अन्य को एक सीट मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर बीजेपी सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे कि जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80 सीटें जीतेंगे। तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि अनुमान एग्जिट पोल के नहीं है, ये मोदी मीडिया के पोल है। राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी मीडिया पोल है, फैंटेसी पोल है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को 295 सीट जीतने का दावा किया है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एग्जिट पोल के अनुमानों को फर्जी बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे।